आज दिनांक 19 सितंबर 2020 को नवीन युवा संगठन आगरा महिला विंग अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर शून्य संगीता शर्मा के नेतृत्व में वृक्षारोपण का कार्यक्रम नवीन युवा संगठन महानगर आगरा द्वारा साय 5 बजे रामेश्वरम सेतु मंदिर बगीची नाइकी सराय जलेसर रोड टेडी बगिया आगरा पर हुआ, जिसका संचालन लेख सजेंडर जी द्वारा किया गया। सिटी टुडे समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर आगरा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संगीता शर्मा और ये जो हमने नवीन युवा संगठन की तरफ से संकल्प लिया है 1,00,000 वृक्ष लगाने का, इसे हम ऐसे ही जारी रखेंगे आगे भी। हमारा जो संगठन है वो इस समय धरती को हरी वसुंधरा बनाने पे लगा हुआ है। हम जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे शायद उतना ही है जो महामारी फैल रही है या जो बीमारियां फैल रही हैं, इन्हीं के द्वारा इन्हीं की तरफ से हम लोग ये सब कार्य में लगे हुए हैं जी। ये जो वृक्षारोपण किया जा रहा है सिर्फ वृक्ष लगाने तक ही सीमित रहेगा या इनका संरक्षण भी किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल संरक्षण किया जाएगा। हम समय समय पे आकर देखते रहेंगे अपने अपने वृक्षों को कि हमने हमारे जहाँ हमने लगाए हैं वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आज लगभग कितने पौधे लगाए हैं? आज हमने 12 से 14 पौधे लगाए हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम एलेक्जेंडर है और मैं नवीन युवा संगठन का छावनी विधानसभा अध्यक्ष हूँ और आज हमने टेढ़ी बगिया के एक राम सेतु मंदिर में रामेश्वर सेतु मंदिर बगीची में आज हमने नवीन युवा संगठन के द्वारा 12 से लेकर 14 पौधों का वृक्षारोपण किया है हमने और हमने माननीय महापौर जी से प्रेरणा लेकर उन्होंने जो संकल्प लिया है ग्रीन आगरा क्लीन आगरा को उसको देखते हुए हमने आज इसमें टेढ़ी बगिया में आके इसको हमने वृक्षारोपण किया है जी। नवीन युवा संगठन का नाम है, वो नामकरण किसके आधार पर किया गया है? ये नवीन युवा संगठन माननीय महापौर जी से प्रेरित लेकर इस नाम को लिया गया है क्योंकि माननीय महापौर जी का एक सपना है आगरा को ग्रीन आगरा क्लीन आगरा और नवीन आगरा बनाने का, तो वही हम नवीन युवा संगठन आगरा को एक नई पहचान और नया रूप देने के लिए नवीन युवा संगठन का हमने हमारे माननीय संस्थापक श्याम सलोनी वशिष्ठ जी के द्वारा ये बनाया गया। नाम एबेनेजर उपाध्याय, मैं विधानसभा छावनी नवीन युवा संगठन का मीडिया प्रभारी हूँ। आज हमने नवीन युवा संगठन के द्वारा वृक्षारोपण किया टेढ़ी बगिया मंदिर में, एक जो बहुत पुराना मंदिर है उस जगह। आपका पूरा परिचय? मैं नगेंद्र उपाध्याय, महानगर महामंत्री। हम नवीन युवा संगठन के थ्रू सभी को ये चेतावनी और कहना चाहिए कि संदेश देना चाहते हैं कि वृक्ष लगाकर जो हमारी पृथ्वी है इसे हरी भरी बनाए, जो कि माननीय महापौर जी का सपना है ग्रीन आगरा क्लीन आगरा। इसके तहत नवीन युवा संगठन सभी को यह संदेश देना चाहता है कि वो अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर इस पृथ्वी को प्रकृति को सुंदर बनाए जी। शासन द्वारा अगर की जाए तो 25 करोड़ पौधों का जो लक्ष्य बनाया गया था, कितने कारगर हुए, कितने पौधे लगे हैं? ये कोई विकराल विषय है कि पौधे प्रशासन द्वारा काफी मात्रा में लगाए जाते हैं लेकिन उन्हें पूरा जीवन पर्यंत उन्हें सुविधाएं नहीं दे पाते। सरकार अपनी तरफ से लगाती है करती है लेकिन कुछ जन समूह है संस्थान है उनके द्वारा लगाए तो जाते हैं लेकिन उनकी व्यवस्थाएं देखने के लिए सरकार आमंत्रित भी लोगों को करती है, पैसा भी खर्च करती है लेकिन जो आम पब्लिक है उसका पूरा सहयोग न मिलने के कारण ही वो पौधे नष्ट हो जाते हैं। अगर बात की जाए अभी नवीन आगरा क्लीन आगरा की जो आपने बात कही है उसे लेकर के, अभी वर्तमान में जो वृक्षारोपण हुआ है उसके ऊपर घोटाले भी लगे हैं, सरकार द्वारा पैसा पूरा आता है लेकिन उसकी देखरेख पूरी नहीं होती, इसके जिम्मेदार कौन, भ्रष्ट अधिकारी या यहाँ के जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि का इसमें कोई रोल नहीं है, भ्रष्ट अधिकारी है तो उनकी जांच की जाएगी, जनप्रतिनिधि उन पर एक्शन ले रहे हैं, जांच की व्यवस्था भी देखी जा रही है, जितना हो सकता है जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, जनप्रतिनिधियों का कहना है। सिटी टुडे समाचार बुलंद भारत बुलंद खबर।